रानीबाग से भीमताल और नैनीताल रोड पर सड़क के किनारे बने 250 से अधिक मकान और दुकानों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिन्हित करके नोटिस भेजा है। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर सड़क के किनारे से अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद वहां व्यवसाय कर रहे सैकड़ों लोगों को उजाड़ने का डर सता रहा है। और भीमताल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों का कहना है कि वह 50 साल से अधिक समय से वन पंचायत की भूमि पर अपना रोजगार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों ने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और उनको न्याय दिलाने की मांग की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बात आती है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इस मामले पे हम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा जन आंदोलन चलाकर ये पहाड़ की जो हमारी आवाज है, पहाड़ की जो एकता है, इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को जागरूक करके जिनकी रोजी रोटी को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसको हम नहीं उजाड़ने देंगे। उसके लिए लड़ाई, जॉब में भी नहीं जा सकते हैं और कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। पिताजी दादाजी लोगों के टाइम की दुकान है, कम से कम 50 साल 60 साल हो गए वहां पे बसे हुए, और अकेले मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी लोगों के साथ हो रहा है। हमारी कम से कम 80 दुकानें नैनीताल रोड में चिन्हित है और 50 से 60 दुकानें भीमताल रोड में चिन्हित है।